नमस्कार, मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, डायरेक्टर हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी एंड योग हब, लखनऊ। आज हमारे पास है अरुण मिश्रा जी। नमस्कार। सो बहुत सारी क्यूरोसिटी थी तो हमने सोचा कि लोगों को भी उससे फायदा मिले और आप भी हमसे बताएं। डॉक्टर साहब, जो है आजकल सोसाइटी में या स्पोर्ट्स में, फिल्म इंडस्ट्री के लोग, फिल्म इंडस्ट्री के नाम लें तो अभी मैंने मनोज वाजपेयी जी का एक इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने फास्टिंग और खासकर उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बहुत फोकस किया, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को उससे बहुत इम्प्रूव किया। ये क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग इतनी एंशियंट हमारी थेरेपी को, है ना, नेचुरोपैथी को, प्राकृतिक चिकित्सा को आज इस तरह से सामने लाए। कोई बात नहीं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग आज कही जा रही है, पर है तो हमारी पुरानी कल्चर, भारतीय संस्कृति ही, जिसमें हमारे पास ऋषि मुनियों को पता था कि उपवास का कितना महत्व है और इस कारण उन्होंने बहुत तरीकों का उपवास बनाया। अगर उस समय वो समझाने लगते ऑटोफेजी का प्रिंसिपल तो लोग बोल ही नहीं पाते कि व्हाट इज ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब अपने आप को गल्फ कर लेना, मतलब सुसाइड, सेलुलर सुसाइडल अटेम्प्ट जिसे कहते हैं। तो ये सेल्स तब करती हैं जब इन्हें बहुत ज्यादा भूखा रखा जाता है। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग फास्टिंग और स्टार्वेशन में अंतर है, भुखमरी नहीं आने दें पर उपवास करें, तो एक वैज्ञानिक तरीके से किया हुआ उपवास आपको जो सेल्स खराब हैं या कैंसर सेल्स हैं जो बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, तो वो परेशान होने लग जाती हैं और उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो अच्छी तरफ जा सकें, तो अपने आप को वो सुसाइड कर देती हैं, खुद ही इंगल्फ कर जाती हैं कि अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस कंडीशन में, क्योंकि हमको वो सारा कचरा तो मिल नहीं रहा है, फास्ट फूड बंद हो गया है और जो कुक्ड फूड था जो एसिडिटी क्रिएट करता है वो बंद हो गया है, तो ये तो हमें प्रिजर्वेटिव्स बंद हो गए, तो वो सुसाइड कर देते हैं, सेलुलर सुसाइडल इसको कहते हैं। तो ऑटोफेजी का प्रिंसिपल है, जिसके लिए अरुण जी हम बताएं कि बहुत कम लोगों को पता है। 3 अक्टूबर 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट हैं, योशिनोरी ओशुमी, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने ऑटोफेजी का प्रिंसिपल दिया, न सिर्फ प्रिंसिपल दिया, इन्होंने ये बताया कि कैंसर तक के पेशेंट को, कैंसर सेल्स को इससे खत्म किया जा सकता है। तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक फास्टिंग है कि उपवास हमारा कई तरीके का हो सकता है। जैसे हिंदी में आप उपवास पे जाएं तो लघु उपवास, दीर्घ उपवास, एक समय का उपवास, दिन का उपवास, ऐसा आपने अब आप कनेक्ट कर पाए, ऐसा आपने अपने मम्मी को, बहनों को देखा होगा घर में कि आज तो दिन भर का उपवास है, आज सिर्फ शाम को उपवास तोड़ेंगे, आज हम आधे दिन का व्रत रखेंगे, आज के दिन निराहार मतलब सिर्फ जल पे रखेंगे, या आज हम एक टाइम कुक्ड खा सकते हैं, तो ये क्या है? दिस इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आज से थोड़ी है, बस हमने उसको कहने का इंटरमिटेंट मतलब बीच के टाइम का उपवास, हम सिर्फ सुबह खाएंगे और फिर शाम को खाएंगे, हम प्रार्थना के साथ ही खाएंगे। तो ये छोटे छोटे जो उपवास थे, इसी में नवरात्रि का दीर्घ उपवास बनाया गया, तो वो एक दीर्घ उपवास है। छोटे छोटे उपवास, सोमवार व्रत है, मंगलवार व्रत है, बृहस्पतिवार व्रत है, किसी में हम खाएंगे एक टाइम, किसी में नहीं खाएंगे, किसी में हम पूरे 24 घंटे का उपवास रखेंगे। ठीक, तो ये इसीलिए बनाए गए कि बॉडी रिसाइकल होती रहे, उसमें जरूरत ही ना पड़े कुछ करने की। अब जो आपने देखा उसमें क्या है, अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है। तो उसमें हमने ये शुरू करा कि 12 से 14 घंटे का उपवास अमूमन आपकी बॉडी को फायदा पहुंचाता है। पर उपवास का मतलब ये नहीं है कि चाय पी ली और उपवास है। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब ना करे, तो सिर्फ पानी हो सकता है, सिर्फ पानी पे किया जाए उपवास, वो उपवास होता है। हालांकि अब नेचुरोपैथी में हम लोग बहुत बार वाटर फास्टिंग के साथ साथ कोकोनट वाटर फास्टिंग, जूसेस पे या आपका जूस सूप पे, मतलब अगर आप आग पे ना चढ़ाएं और उन चीज़ों को ऐड करें तो भी आप एक अच्छी फास्टिंग कर सकते हैं। पर रात में तो ऐसा ही होना चाहिए कि शाम के 7 बजे खाना खा लें और सुबह 7 या 8 बजे तक आपको एक 12 घंटे का लंबा गैप मिलता है। पर वो अरुण जी अकॉर्डिंग टू नेचर होना चाहिए। गलती ये हो रही है कि लोग 12 बजे रात में खाते हैं और अगले दिन 12-1-2 बजे तक वो कहते हैं नहीं हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रख रहे हैं। गलत है, वो बहुत गलत है, क्योंकि आप नेचर से खिलवाड़ कर रहे हो। तो आप स्लिम भले ही दिख जाओ पर आने वाले टाइम में और बीमारियां आपको घेर लेंगी, लीवर, पाचन
डाइजेशन सिस्टम पे इफेक्ट होगा इससे। हाँ, इससे मतलब वेट मैनेजमेंट तो आप कर ही सकते हैं, जो मैंने और कॉन्सेप्ट बताया कि जितनी भी खराब कोशिकाएं हैं सब पहले खत्म होने लग जाएंगी ना। तो अगर आप साइंटिफिकली समय समय पर उपवास रखते हैं, जैसे कि इतने सारे हम लोगों के तीज त्योहार बना दिए गए, वो इतने सारे इसलिए नहीं थे कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं या एक भगवान पे विश्वास नहीं, ऐसे लोग मिसगाइड कर देते ना लोगों को, तो ऐसा नहीं है। इसलिए कि हर व्यक्ति को समझा सके, हर व्यक्ति तक पहुंच सके, कोई ना कोई कुछ तो किसी के दिमाग में आएगा और वो किसी पे विश्वास करके कोई एक तो करेगा उपवास। तो ये इस तरीके का फास्टिंग कल्चर में है। आज इस नाम से लोगों ने जाना, जैसे क्या फर्क पड़ता है कि हल्दी वहां से आई और पेटेंट हुई, दुख की बात है ये, बट हम सब ने उसको एक्सेप्ट किया, उसका फायदा हम सबको मिल रहा है। इसी तरह इंटरमिनेंट फास्टिंग, ऑटोफेजी का प्रिंसिपल सबको समझ आ रहा है, लोग उसको कर रहे हैं और उसको फायदा हो रहा है। तो अभी और लोगों तक जागरूकता आनी चाहिए। सर, फास्टिंग के बाद हम कब कैसे क्या चीज खाएं, क्योंकि फास्टिंग करीब में 12 घंटे या 8 घंटे 6 घंटे, उसके बाद किस तरीके से हेल्थ फूड लें कि एकदम जुट जाए खाने में, कहीं वो नुकसान करेगा, या हम क्या खाना चाहिए एकदम इस लंबे फास्टिंग के बाद? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इतनी देर में हमने नहीं ध्यान दिया। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लंबी गैप के बाद जब खाते हैं कुछ, तो सिंपल पानी पी रहे हैं, तो पहली बात तो कोई भी ऐसा कैफीन या निकोटिन नहीं जाना चाहिए जो शरीर को नुकसान करता है। जैसे आपका शुगर ना जाए, क्रिस्टलाइज शुगर, जितना पेस्टिसाइड्स पड़े हों, डिब्बा बंद चीज़ें, ये सब ना हो। तो प्राकृतिक भोजन जिसमें फल या मेवे, मेवे को भिगो दीजिए, वो आहार हो सकता है, ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, जिसमें जो रेजिन कैटेगरी है, रेजिन मीन्स आपका खुबानी है, आपका छुआरा है, खजूर है, मुनक्के हैं, किशमिश है, ये आप रात में भिगो दीजिए। इनका जूस हो सकता है, ये ऐसे ही हो सकते हैं, पानी पी लिया जाए इनका, नारियल पानी हो सकता है, आपका लौकी का रस हो सकता है, सफ़ेद पेठे का रस हो सकता है। इस तरह का कोई भी अल्कलाइन फूड जो आपकी बॉडी को सूदिंग इफेक्ट दे, कूलिंग भी दे। बहुत गर्म खाना खाना, एकदम से खाना खा लेना, कार्ब खाना, ये ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे आप उसको करें और 8 आवर्स की विंडो में ही आप खाएं, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी बॉडी को टाइम मिलता है रेस्टिंग का। और जब बॉडी डाइजेशन में लगी है तो वो आपको रिकवर नहीं कर पाती, तो एक रेस्टिंग टाइम में वो रिकवर करती है, लीवर रिकवर करता है, पैनक्रियाज रिकवर करता है। इससे आप डायबिटिक मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फास्टिंग का जो टाइम है, हम यदि शाम से रखें, रात रात भर का रखें, या दिन का रखें, कैसे इस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा इसमें बता दीजिए। जैसे 4 घंटे का गैप तो एक खाने से दूसरे खाने में होना चाहिए मिनिमम, और अगर आपने रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाया है तो 6 आवर्स का गैप कीजिए। रॉन्ग कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि दही बड़े, चटनी, पापड़, अचार, दाल, चावल, मीठा भी सब कुछ है, तो उसको फिर हमें 6 घंटे चाहिए। सामान्य खाना अच्छा खाया है, हेल्दी, तो 4 घंटे चाहिए। उसके बीच में आप बिल्कुल मंचिंग ना करें, सिर्फ पानी पिए, है ना। और दूसरा आपका 12 घंटे का उपवास जो रात में चलेगा, फिर आप करें एक साप्ताहिक उपवास, हफ्ते में 1 दिन का उपवास। वो आप अगर अपने ईस्ट या पंडित जी से पूछ के करेंगे तो आपका सस्टेन रहेगा, नहीं तो सोशल बिहेवियर के दौरान आपको वो तोड़ दिया जाएगा। हाँ, तो अगर रिजिडिटी चाहिए तो हमारे मन की तो रिजिडिटी है, पर सोशल दायरे में रिजिडिटी लाने के लिए आप उसको रिचुअल से जोड़ लीजिए, तो आप सुकून में रहेंगे और लोग डर जाएंगे तो डरवाएंगे नहीं, खुद भी डरे हुए हमको तो डरा ही रहे हैं, खुद भी डरे हुए। तो धर्म के से लेकर के आप रखेंगे तो और अच्छा लगेगा और उससे प्योरिटी और बढ़ती है। तो वो आप सिर्फ फलों पे उपवास रखें, दिन में 3-4 तरह के फल आपने दिन भर खाए और एक रात का गैप भी फॉलो किया, तो जितना आप देखेंगे थोड़ा बहुत अगड़म बगड़म हमने हफ्ते भर किया, वो एक दिन में पूरा अगर आपने प्योरिटी के साथ लिया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम रेगुलर करें या कुछ टाइम्स पे? जैसे कि आपने त्यौहार भी देखा होगा कि कोई कोई है जो आपको 12 घंटे 18 घंटे 24 घंटे के हैं, कोई कोई आपके थोड़े थोड़े आवर्स के हैं, वो इसीलिए बनाए गए कि रेगुलर नहीं कर सकते आप। तो आप समय समय पर, जैसे कोई बीमारी ठीक कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट समय समय पर हफ्ते भर में 15 दिन पे आपको करना चाहिए। 12 घंटे की तो नॉर्मल है, 12 घंटे हर किसी को करना चाहिए, 7 से 7, इसके बीच में मंचिंग नहीं, 8 से 8 बस मैक्सिमम। तो 8 से 8 का उपवास हर किसी को करना चाहिए। 14 घंटे 16 घंटे का जो उपवास है, जिसको कहते हैं ऑटोफेजी का प्रिंसिपल फॉलो होगा, वो कभी कभी करना चाहिए, 15 दिन में एक बार, जैसे और भी व्रत बनाए गए हमारे लिए उन्हीं से कनेक्ट कर लीजिए, वो 15 दिन में होते हैं। और जो हम 9 रात्रि का फास्ट रखते हैं वो पूरा साल में 2 ही बार होते हैं। तो ऐसे कब दीर्घ उपवास, कब लघु उपवास, सब कुछ हमारे ही वैदिक संस्कृति का हिस्सा है,
बस हमें खोजने पे मिलता है ये इस तरीके से कनेक्ट कैसे करना ये सोच के इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। हाँ जी हाँ जी। और जो हम चढ़ाते हैं जिस सीजन में वो हमारे लिए औषधि है। जैसे अभी चौलाई का साग है जो पूजा होती है उसमें चौलाई का साग चढ़ता है, तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि वो आप खाएं ना कि चढ़ा दिया हो गया। तो ये भी कनेक्ट कीजिए कि हमें क्या त्योहार हमें क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाह रही है रिचुअल, तो उससे कनेक्ट कीजिए ना कि रिचुअल में ही लगे रहिए। तो रिचुअलों को आप हमारे इन सब चीजों को रीति रिवाज को एक थर्ड आई की तरह देखने का वक्त आ गया है, समझने और समझाने का वक्त आ गया है। तो बहुत अच्छा लगा अरुण जी ने एक आई ओपनर का काम किया, एक प्राकृतिक चिकित्सा के दृष्टिकोण से बताया भाई उपवास तो बहुत पुरानी हमारी संस्कृति या सभ्यता है और सबको इसका महत्व समझना चाहिए और सही अर्थों में साइंटिफिकली ये आगे आना चाहिए। आने वाले समय में जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर नवरात्रि एक फ्री फास्टिंग कैंप ग्लोबली ऑनलाइन करते हैं और हम नवरात्रि के एक दिन पहले से कनेक्ट करते हैं आप सभी को। ये हमारा पांचवा या छठा नवरात्रि होगा। आपको हम हर दिन शाम को बताते हैं, इससे न सिर्फ आप अपना वेट मैनेजमेंट करते हैं, मन को शांति मिलती है और न जाने कितनी ही बीमारियों पे आप अपनी पकड़ बनाते हैं। सो बने रहे हमारे चैनल पे। नमस्कार।